पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस समय चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। यह लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन क्या इसके बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा, इस बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन लॉकडाउन 5 को लेकर दावों और कयासों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। 1 जून से लॉकडाउन 5 लागू होने की खबर को गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने गलत ठहराते हुए कहा कि इसमें किए गए सभी दावे केवल अनुमान हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और लू से परेशान राजस्थान प्रदेश के कई इलाकों को 29 मई को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से कई इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 29 मई को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर इलाके में धूल भरी हवाओं और आंधी के साथ मेघ गर्जना के आसार हैं। गौरतलब है कि इस समय समूचा प्रदेश झुलसा देने वाली गर्मी को झेल रहा है। प्रदेश के सभी इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को चूरू में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था। अगली खबर में, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 28 मई गुरुवार से 14 नए और मार्गों पर अपनी बस सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इससे पहले रोडवेज ने 23 मई से 55 मार्गों पर बस संचालन शुरू किया था। जिन 14 नए मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी, उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी रोडवेज ने शुरू कर दी है। टिड्डी दलों का हमला झेल रहे राजस्थान में अब कृषि विभाग ने नई तैयारी शुरू की है। टिड्डी दलों के खात्मे के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। ट्रायल बेस पर इसका उपयोग शुरू भी कर दिया गया है। मंगलवार शाम को पहली बार जयपुर के सामोद क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव के अच्छे रिजल्ट मिले हैं और आगामी दिनों में ज्यादा ड्रोन के जरिए कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा। कृषि अधिकारियों का कहना है कि खास तौर पर ऊंचाई वाले और ऐसे क्षेत्र जहां आसानी से माउंटेड स्प्रे और दमकलें नहीं जा सकती, वहां ड्रोन का उपयोग फायदेमंद साबित होगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 144 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इसमें सर्वाधिक 64 पॉजिटिव केस अकेले झालावाड़ में सामने आए और भरतपुर में 8, भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 1, दौसा में 1, डूंगरपुर में 1, जयपुर में 15, झुंझुनू में 2, जोधपुर में 13, करौली में 1, कोटा में 18, नागौर में 12, सीकर में 7 पॉजिटिव केस सामने आए और अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,680 पर पहुंच गई है। अगली खबर, सीकर में रेलवे फाटक दासा की ढाणी के पास स्थित एक होटल पर काम करने वाले व्यक्ति ने मामूली विवाद को लेकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना बीती रात की है। पुलिस के अनुसार दोनों में मामूली कहासुनी हुई थी। रात को खाना खाने के बाद इस व्यक्ति ने वहां सो रहे अपने दोस्त की हत्या कर दी और शव को पानी की टंकी में डाल दिया। आज सुबह जब होटल मालिक ने पूछा तो उसने बताया कि मेरा दोस्त नेपाल चला गया। उद्योग नगर थाना पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अगली बड़ी खबर में, अजमेर जिले के नसीराबाद में बाड़ों में आग लगने के झुलसने से 11 पशुओं की मौत हो गई। बाड़ों में रखा चारा भी जलकर खाक हो गया। सेना एवं छावनी परिषद के दमकलों से आग पर काबू पाया जा सका। नागौर जिले के सदर थाना इलाके के खरनाल गांव के बाहर प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। सुबह गांव के बाहर पेड़ पर दोनों के शव लटके पाए गए। दोनों ने अलग अलग जाति के होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। सदर थाना क्षेत्र के खरनाल गांव में रहने वाले जगदीश जाट और भाकरोद गांव की सुमन कंवर एक दूसरे से लंबे समय से प्यार करते थे। दोनों के परिवारों में मेल मिलाप नहीं होने और सामाजिक मनमुटाव के चलते जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बारा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव राहुल सुमन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उससे रिश्वत की राशि 3,000 रुपए बरामद की गई और उसने यह राशि ऋण स्वीकृत करने के एवज में मांगी थी। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से। जयपुर में घरेलू उड़ानों का बुधवार को तीसरा दिन था और अब धीरे धीरे यात्री भार बढ़ने लगा है। बुधवार सुबह 6:10 पर इंडिगो की फ्लाइट बेंगलुरु गई और इसी के साथ जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ। मुंबई के लिए भी आज जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली फ्लाइट गई और अब कल से इस फ्लाइट के नियमित होने की संभावना है। आज बेंगलुरु से मात्र 30 यात्रियों को लेकर फ्लाइट रवाना हुई, जबकि यह 180 सीट क्षमता का विमान है और वहीं मुंबई जाने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी रही। मुंबई में करीब 90 यात्री गए।
इस बुलेटिन की अंतिम खबर में बूंदी जिले के केशवराय पाटन में कैनरा बैंक की शाखा में बुधवार सुबह आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।